नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, मुझे 2 साल पहले यूरिनरी स्टोन हुआ था। अब 2 महीने से मुझे बार बार पेशाब में जलन हो रही है। मुझे फिर से पत्थरी की समस्या होने का डर है, इसलिए केले के तने के रस का सेवन करना चाहता हूँ। क्या यह वास्तव में लाभदायक है? इस प्रश्न पर डॉक्टर सुदर्शन कहते हैं, केला आयुर्वेद में कदली के नाम से जाना जाता है। केले का फल और तना का उपयोग हैजा, हिस्ट्रिया, रक्तस्राव विकार, वीर दुर्बलता, योनिस्राव, सामान्य दुर्बलता आदि के उपचार में उल्लेख किया गया है। केले का वानस्पतिक नाम म्यूसा पैराडेसिये का है और यह म्यूसेशिये परिवार से संबंधित है। उपचार में उपयोग किए जाने वाले केले के पौधे के विभिन्न भाग जैसे फल, तना, पत्ती और प्रकंद है। जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है, केले के तने के रस का उपयोग मूत्र पत्थरी के लिए एक निवारक उपाय के रूप में किया जाता है। कैयदेव निघंटु आयुर्वेदीय ग्रंथ के अनुसार, रंबातोयम शीतलम ग्राही तृष्णा कृच्छान मेहान कर्ण रोगाति सारान, अर्थात रंबतोयम या केले के तने का रस शीतलम यानी शीतलक, ग्राही यानी शोषक, मल को सख्त करता है, तृष्णा यानी अत्यधिक प्यास, कृच या मूत्र कृच यानी पेशाब में तकलीफ, मेह यानी मधुमेह मूत्र पत्थरी के विकार, कर्ण रोग यानी कान के विकार, अतिसार यानी दस्त आदि से राहत देता है। उपरोक्त संदर्भ में मूत्र कृच का अर्थ है पेशाब में दर्द और कठिनाई। इसलिए केले के तने मूत्र पत्थरी के उपचार में लाभदायक है। अब हम जानेंगे केले के रस का मूत्र पत्थरी के उपयोग की विधि। रोजाना 15 से 20 मिलीलीटर तने के ताजे रस का सेवन करने से पेशाब में पत्थरी होने की संभावना कम हो जाती है। यह अपनी शीतल गुण के कारण पेशाब की जलन से राहत दिलाने में भी मदद करता है। केले के उपोत्पाद और नवीकरणीय खाद्य पदार्थ पर एक शोध अध्ययन किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानकारी पाने की इच्छा है तो अंग्रेजी में हमारे साप्ताहिक ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।